हिसार में कोरोना महामारी की किसी भी संभावना को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे शहर की स्क्रीनिंग शुरू की हुई है। इसके लिए अब शहर में स्वास्थ्य विभाग की 22 टीमें घर घर जाकर जनता की स्क्रीनिंग कर रही हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में स्क्रीनिंग के अलावा आज हिसार के कंटेनमेंट और बफर जोन में विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह के नेतृत्व में स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग के कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर स्थानीय निवासियों की थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग की। कर्मचारियों ने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई। हेल्थ इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि स्क्रीनिंग के आधार पर जरूरत पड़ती है तो कोरोना सैंपल लेने के लिए टीम बुला ली जाती है। उन्होंने जनता से कोरोना से बचाव के तरीके अपनाकर सरकार का सहयोग करने की अपील भी की है। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। ऐसा है जैसे आपने पूछा है कि कंटेनमेंट जोन में तो ये 14 दिन तक चलेगी, घर घर और बार बार कर रहे हैं घरों में, और बाकी पूरे शहर में मॉनिटरिंग का कार्य चल रहा है, सर्वे का कार्य भी चल रहा है। अगर किसी को लक्षण कुछ मिलता है तो उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, उसके घर में दोबारा पूछते हैं, उसका सैंपलिंग भी करते हैं बाद में। तो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो पूरे शहर में भी स्क्रीनिंग की जा रही है? हाँ बिल्कुल सही, पूरे शहर में कंटेनमेंट 22 टीमें बना रखी है सिविल सर्जन जी ने, और 22 टीमें अपना ये काम कर रही है। तो अभी तक कितने अलग घरों में जो है स्क्रीनिंग हो चुकी है? ये तो मैं डाटा देख के आपको वहाँ से हमारे डॉक्टर साहब बता पाएंगे। डॉक्टर के नाम है पुलकित जी, उनके पास सारा रिपोर्ट। इसमें जो आपका स्क्रीनिंग के अंदर जो अगर किसी भी तरीके के अगर वो मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं, तो क्या उनकी सैंपलिंग की जा रही है? रैंडम सैंपलिंग भी चल रही है? हाँ बिल्कुल, उसकी लिस्ट बना के उसकी सैंपलिंग करते हैं, हमारी टीम आती है सैंपलिंग खुद करती है। कितने रैंडम सैंपल जो है रोज लिए जा रहे हैं? रोज यहाँ तो जैसे एक हुआ था गोविंद नगर में कल परसों, बाकी तो पूरे शहर में, तो वो हमारे डॉक्टर जी बता पाएंगे। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता हमारा सहयोग करे, कम से कम सोशल डिस्टेंस का, कम से कम 3 मीटर या कम से कम 1 मीटर का जरूर ध्यान रखें, ताकि सोशल डिस्टेंस से ही इसका छुटकारा मिल सकता है हमें। और सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करने के बाद भी अपने नाक कान को छुओ, अदरवाइज कोई भी मतलब खाने से पहले जरूर हैंड वॉश करो, ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले। हैंड वॉश 20-20 मिनट में, आधा घंटे में करते रहो, जब भी खाना खाओ जब करो, मास्क उतारना जब भी हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करके ही मास्क उठाओ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.